इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप घर पे ही होटल जैसी, बिल्कुल मार्केट के जैसी जलेबी बना के घर पे रेडी कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल की जलेबी, किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल की जलेबी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये जलेबी, बिल्कुल मार्केट के जैसी क्रिस्पी जलेबी आप घर पे बना सकते हैं। और इसे आज हम बना रहे हैं उड़द दाल के साथ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप चीनी ले रही हूँ। शुगर सिरप बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप चीनी लेनी है और इसमें हम 2 कप ही पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कप शुगर ली है और 2 कप ही पानी ऐड किया है। अब इस चीनी को, शुगर को मेल्ट होने तक हम इसे पकाते हैं। इसे आपको चलाते हुए पकाना है, जब तक शुगर आपकी मेल्ट नहीं होती तब तक। तो हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है चलाते हुए, इस तरह से आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, जैसे जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, चीनी नीचे से बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए मैंने इसको 6-7 मिनट के लिए और पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर 1/2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी जलेबी के अंदर आएगा। इलायची पाउडर के बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फूड कलर ऐड ना करें। तो यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है। इसके बाद ये मेरे पास एक लेमन है, छोटा सा पीस लिया है, इसकी 6-7 बूंदें हमें इसके अंदर डालनी है। ये देखिए तो हमारी शुगर सिरप बनके रेडी हो गई है। अब इसमें हम ये जो नींबू है इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, जिससे ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, ऊपर से जमेगी नहीं हमारी चाशनी। तो बस अब इसमें फ्लेम को ऑफ कर लिया है और ये लेमन की ड्रॉप्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ये हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अभी मैंने यहाँ पे ली है ये उड़द की दाल, जो कि मैंने 8 से 9 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी। इस तरह की दाल होती है उड़द की, ये बिना छिलके वाली धुली हुई दाल कहते हैं इसे। और इसको आपको अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद आपको 8 से 9 घंटे के लिए इसको सोक करके रखना है। अगर चाहें तो आप ओवरनाइट इसे सोक करके रख सकते हैं। इस दाल को मैंने पानी निकाल के यहाँ पे ले लिया है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, यहाँ से हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। और ये फूड कलर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसूँगी और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें पीसने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना आपको पानी यहाँ डालना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाला जा सकता है पीसने के लिए, क्योंकि इसे बारीक पीसना है। हल्का मैं इसे दरदरा पीस लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर पानी डाल के पीसेंगे। तो ये देखिए हल्की दरदरी सी मैंने पीस ली है। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी। आप इसे पीस लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी की दाल को पीसेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। टोटल पानी 1/4 कप आपका लग जाएगा इसे पीसने में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक लॉट पीस लिया है और दूसरा ये हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए दाल के अंदर जब आप इसे पीस लें, तो बिल्कुल महीन दाल आपको पीसनी है इसके लिए। अब इसको निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। तो ये देखिए दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है और बहुत ही बारीक हमारी दाल पीस के रेडी हुई है। इसी तरह की दाल आपको पीसनी है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे।
तकरीबन 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं, इससे हमारी जो जलेबी है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। और थोड़ी देर इसे चलाते रहना है आपको। इसको थोड़ा सा फ्लफी बैटर बनाना है तो आपको इसे इस तरह से अच्छी तरह से फेंटना है। जब तक आप इस तरह से इसे नहीं फेंटेंगे तब तक आपकी जलेबी अच्छी सी क्रिस्पी और फूली फूली नहीं बनेगी। तो वो मैंने इसे थोड़ी देर फेंट लिया है। अब इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं जिससे इसमें अच्छा सा कलर आए। फूड कलर को थोड़े से पानी में मिक्स करके ऐड करें और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे और फेंट लूँगी जिससे इसके अंदर अच्छे से एयर भर जाए और ये काफ़ी फ्लफी हो जाए। तो इसे 2 मिनट के लिए फेंटना है। तो अभी हमारा ये बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से आपका बैटर हो जाना चाहिए काफ़ी फ्लफी सा। तो अब मैं इसको बनाने के लिए एक कोन तैयार कर रही हूँ और ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये मेरे पास एक मैदे का ही पैकेट था जिसको मैंने इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके स्टेपल कर लिया है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया है ऊपर और स्टेपल कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसमें बैटर भरूँगी और ऊपर से मैं इसे रबड़ बैंड से बंद कर दूंगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ उसमें बैटर कैसे भरना है। तो इसे मैंने एक कप के अंदर रख लिया है और एक स्पून की हेल्प से हम इसमें बैटर भर लेंगे। इस तरह से जितना बैटर इसके अंदर आ जाएगा उतना हमने भरना है इसमें और ऊपर से हम यहाँ से इस पर रबड़ बैंड लगा देंगे। तो आप चाहें तो इसे दूध की थैली के साथ, दही की थैली के साथ या कोई भी इस तरह की मैदे की या सूजी की थैली हो तो उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। अब ये मैंने बना के रेडी कर लिया है। ऑयल हमने यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, कम ऑयल में इसे फ्राई करना होता है। तो ऑयल को आपको मीडियम हॉट करना है। कोन को नीचे से मैंने कट कर लिया है और उसके बाद हम इसकी जलेबी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। पहले हम एक गोल राउंड करेंगे और उसके बाद हम इसमें 3 से 4 राउंड ऊपर से इस तरह से करके और ऊपर से हम इसे बिल्कुल क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप जलेबी बहुत ही आसानी से घर के बने हुए कोन से बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी जलेबियाँ बनाएंगे और अब इन जलेबियों को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है जैसे अच्छे से क्रिस्पी हो। और ये हम दाल की बना रहे हैं तो इनको अच्छे से सेकना बहुत ज़रूरी है। तो पलट लेते हैं इनको। लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको सेकना है। हमारी चाशनी ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई है और ये देखिए हमारी जलेबियाँ भी सेक चुकी हैं। जब ये जलेबियाँ बिल्कुल सेक जाएंगी तब ये ऊपर तैरने लगेंगी और हल्की सी ट्रांसपेरेंट आपको दिखने लगेंगी। तो बस इसको अब निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम चाशनी के अंदर डालेंगे इस तरह से, इसका सारा ऑयल निकाल के और आप इसे चाशनी के अंदर डाल दें। चाशनी आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए जब आप ये चाशनी के अंदर डालेंगे तब। तो एक बार और बना लेते हैं। तो घर पे ये जलेबी बनाना बहुत आसान है। आप इसे किसी भी कोन से बना सकते हैं, घर के बने हुए कोन से आराम से आप इसे अच्छे से शेप में बना सकते हैं। ये देखिए इसको पलट देते हैं और एक अच्छा सा कलर आने तक, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इनको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए जब ये फ्राई हो जाती हैं तो ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखने लगती हैं और ऊपर तैरने लगती हैं। तो उसके बाद हम इसको निकाल के फिर से चाशनी के अंदर डालेंगे। तो बस हमारी ये जलेबी बन के रेडी है, उड़द दाल की जलेबी।
बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसे मैं निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी में डाली हुई हैं सारी जलेबियाँ। तो बस अब इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको चाशनी के अंदर रहने देंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। ये जो नीचे वाली जो जलेबियाँ हैं उनके अंदर अच्छे से चाशनी भर चुकी है और ऊपर मैंने अभी जो गर्मा गर्म जलेबियाँ डाली हैं उनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जलेबियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं, सर्व कर लेते हैं इनको। बहुत ही आसान है घर पे ये जलेबी बनाना, उड़द दाल की जलेबी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए बिल्कुल हलवाई के जैसी जलेबी आपने घर पे बना के रेडी कर लेनी है। आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी जलेबी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और एकदम रस से भरी हुई जलेबियाँ आप घर पे बना लेंगे बिल्कुल मार्केट की जैसी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको एक बार इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये अंदर से और कितनी जूसी बनी हुई है। तो ये देखिए बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना।